दोस्तों, आप सभी ने लाइफ में अजीब किस्से जरूर सुने होंगे, चोरी होते देखी होगी, लोग कैसे एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं ये भी देखा होगा, लेकिन आज हम एक अलग ही लेवल की कहानी बातें सुनेंगे। ये कैसे होता है, मैं आपका स्वागत है। आज हम ऐसी तीन महान हस्तियों से मिलेंगे जिन्होंने मिलकर अपने घर में फर्जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच ही खोल डाली। मतलब लोग बैंक में डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं, नकली नोट की छपाई करते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो जरूर फ्रॉड जगत को हिलाकर ही रख दिया। इनने ब्रांच ही खोल डाली एक बैंक की, और वो भी मतलब देश का सबसे बड़ा बैंक। तो कहानी कडलूर जिले तमिलनाडु की है। आपको इनकी हिम्मत जानकर हैरानी होगी कि कडलूर जिले में पहले से एक बहुत बड़ा एसबीआई का ब्रांच ऑलरेडी था। पहले से एसबीआई की एक ब्रांच जहां चल रही हो, वहां पर एक फर्जी ब्रांच खोल लेना, ये कैसे होता है? तीनों में से एक 19 साल का लड़का, जो इस प्लान का मास्टर भी था, उसने 18 साल के होने से पहले एक बार एसबीआई में अप्लाई भी किया था, लेकिन माइनर होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। लड़के का नाम कमल बाबू है, जो कि इस प्लान का मास्टर था। कमल के पिताजी अब इस दुनिया में तो नहीं है, वो खुद भी एसबीआई में ही काम किया करते थे, जिसकी वजह से उसे काफी कुछ अंदर की चीजें पता लगी। लेकिन कमल किसी और ही चक्की का आटा खाता था ऐसा लगता है। बैंक की एग्जाम पास करके आम आदमी की तरह नौकरी लेने की जगह उसने अपने बैंक की नौकरी के रिजेक्शन को चालाकी में बदल दिया और अपने घर में ही एसबीआई की एक फर्जी ब्रांच खोल डाली। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। और एक बात सुनिए, मजे और अजूबे की बात तो ये है कि ये लोग कस्टमर सर्विस में बहुत अच्छे थे, और लोगों को तभी शक हो गया कि ऐसा बैंक जहां लंच टाइम और छुट्टी का बहाना देकर लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उस बैंक में इतना तेजी से काम आखिर हो कैसे रहा था? इसी को मद्देनजर रखते हुए एक कस्टमर ने हेल्पलाइन को फोन घुमा डाला और असली ब्रांच के मैनेजर को भी बता दिया। असली वाली ब्रांच के मैनेजर को असल में देखकर कहीं से फर्जी नहीं लगा ये सब, और इन तीनों ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि सब कुछ एकदम शत प्रतिशत दोस्तों सच लगे। आखिरकार असली मैनेजर खुद भी सकते में आ गया और उसे चेक करने के लिए हेड ऑफिस फोन करना पड़ गया। वहां से पता लगा कि इस पंजुती नाम के एरिया में, जो कि कडलूर जिले में है, केवल दो ब्रांच की ही पहले से स्केड्यूल था, केवल दो ब्रांचेस ही पहले से थी और तीसरी थी ही नहीं। जब ये पक्का हो गया कि तीसरी ब्रांच फर्जी है, इसके बाद पूरा स्टाफ इस नकली ब्रांच में पहुंचा तो देखा कि पूरा फर्नीचर भी किसी दूसरी दूसरी एसबीआई ब्रांचों से चुराया हुआ निकला। ये बता दें कि कमल बाबू जी का ये कमाल इसलिए 3 महीना ही चल पाया, जिसके बाद भांडा फूटा और पुलिस पकड़कर ले गई। इसके साथ ही जिसका नाम मणिकांत है, उसकी रबर स्टैंप की फैक्ट्री है और तीसरे साथी की प्रिंटिंग प्रेस है, जहां से सारे फॉर्म और बैंक के चालान मुहैया कराए जा रहे थे। तो देखा दोस्तों आपने, किस तरह चालाकी से इन लोगों ने मतलब ऐसी सेटिंग जमाई, ऐसा सब बंदोबस्त जमाया कि फर्जी चालान, फर्जी रबर स्टैंप और सब वहां से मुहैया कराए जाते थे, और एक साथी की तो प्रिंटिंग प्रेस भी थी। दोस्तों आखिर कुछ कुछ घटनाओं को जरूर देखकर लगता है कि आखिर ये कैसे होता है। ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्री और रोचक वीडियोस के लिए घंटी दबा दीजिए और चैनल का साथ जरूर देते रहिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।